नमस्कार दोस्तों, इटर्निटी ऑफ गेम्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ सागनिक, और एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो पे जो हम बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के बारे में। Xiaomi अपना 6 न्यू फ़ोन इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, और वो अपनी जो स्मार्टफोन का जो मार्केट है उसको भी एक्सपेंड करने वाले हैं। तो मनु जैन जो कंपनी का जो CEO है उसने बताया है कि किस तरह से वो लोग प्लान कर रहे हैं। जो CEO नहीं है, मतलब कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी, तो वो बताया है कि कंपनी को कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंपनी किसकी तरफ जा रहा है। तो मैं आपको ये बोल दूं कि नॉन स्मार्टफोन कंपनी की तरफ ऑलरेडी Xiaomi अपना TV लेके इंडिया पे घुस चुका है। तो अब बहुत सी चीज़ें आने वाले हैं, जैसे कि वो लोग ब्रॉडबैंड के किसी कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब ब्रॉडबैंड के जो हब होते हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब इंटरनेट सेटअप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। और 6 न्यू स्मार्टफोन आने वाले हैं, अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सा आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली शायद मी नोट 3 जो फ्लैगशिप रेंज का जो फ़ोन है वो आ सकता है, या फिर मी 7 और मी 6 करके कुछ भी फ़ोन आ सकता है। और Xiaomi अपने एक्सप्रेस डिलीवरी भी लेके आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑफलाइन को भी Xiaomi देख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खोल सकते हैं। वो फ्लैश सेल का जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ ऑनलाइन की, मतलब इसका बिहाइंड सिर्फ एक ही चीज़ है कि ऑफलाइन को एक्सपेंशन करने का, मतलब अगर आप ऑनलाइन ना खरीद पाए तो आप ऑफलाइन से खरीद ले, इसीलिए वो लोग फ्लैश सेल करते रहते हैं। तो इसके बारे में ही बताया गया है, तो मैं आर्टिकल आपको नीचे डाल दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, कुछ ज़्यादा खास नहीं था मुझे पता है, तो मैं किसी वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, तो अभी थोड़ा बिजी जा रहा है शेड्यूल। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना लैंग्वेज चेंज कर लूँ, तो मेरा लैंग्वेज अभी बंगाली है, तो मैं बंगाली में ही बात करना पसंद करता हूँ। तो शायद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे आप सभी से बंगाली में ही शायद बात करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।